एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई ये बता, तेरा भगवान इतना बड़ा है, इतने मंदिर हैं, उसकी इतनी आरतियां होती हैं, पूजा पाठ होता है, तो बार बार सुना जाता है वो धरती पर आया, अवतार हुआ, क्या आया? ये दुख दुविधाएं मिटाने के लिए वो अपने नौकर चाकरों को भी तो भेज सकता था, उसको खुद आने की जरूरत क्या थी यहाँ पर? कहते हैं कि उसको बचाने के लिए खुद आ गया, हाथी को बचाने को आ गया, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाने के लिए आ गया, ये सब वो बोला था। वो तो वो अपने नौकर चाकरों को भेज दे इतना बड़ा, तो उसको खुद आने की जरूरत क्या? बीरबल ने कहा समय आने पर इसका जवाब दे देंगे। तो एक दिन की बात, अकबर ने बीरबल को कहा कि आज हमें समुद्र घूमने के लिए जाना है, तो हम, तुम और मेरा बेटा तीनों चलेंगे। बीरबल को मौका मिल गया कि आज इसके प्रश्न का जरूर समाधान हो जाएगा। तो नौका सजाई गई, नाव में बैठे। बीरबल तो बड़े चतुर हैं, माँ सरस्वती तो उनके कंठ में ही रहती थी, तो जितना बड़ा उनका बेटा था उतना बड़ा बीरबल ने एक पुतला बना के तैयार किया और राजा को पता नहीं लगने दिया इस बात का। जैसे ही आगे वो नाव पहुंची, तो इतने में बीरबल ने वो पुतला है वो पानी में डाल दिया और राजा के बेटे को पीठ के पीछे कर लिया। राजा ने कहा बीरबल ये आवाज कहां से आई? बीरबल ने कहा तुम्हारे बेटे ने छलांग लगाई। सुनते ही राजा ने नाव में से, नौका में से छलांग लगाई बच्चे को ढूंढने के लिए। बीरबल ने देखा कि राजा मर जाएगा, उसको बाहर निकाल के उल्टा किया, पानी बाहर निकाला, कहा साहब आपके प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। कहा कैसे? बीरबल ने कहा जिंदे तो हो, सकुशल से तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहा बेटा तो मिला नहीं। कहा बेटा ये खड़ा है। कहा ये ऐसा कैसे हुआ? कहा राजन तुमने पूछा था संसार में उसके भक्तों को कष्ट आता है, वो खुद ही क्यों दौड़ पड़ता है, अपने वह दूतों को क्यों नहीं बोलता, नौकर चाकरों को क्यों नहीं बोलता? राजन बात तो कुछ ऐसी है, नाव में हम, तुम, तुम्हारा बेटा तीनों थे, तुमने पूछा कि आवाज काहे की आई, मैंने कहा पानी में तुम्हारे बेटे ने छलांग लगाई। राजा साहब तुम्हारे पास मैं भी बैठा था, तुमने एक भी बार मुझसे यह नहीं कहा कि मेरे बेटे को बचाने के लिए बीरबल कुछ करो, नाव से छलांग लगा दो। तुम्हें तुम्हारा बेटा इतना प्यारा लगा, उसको बचाने के लिए तुम खुद कूद पड़े। उसी प्रकार से भक्त भगवान को इतने प्यारे लगते हैं, वो किसी को नहीं कहते, सागर में, भव सागर में खुद छलांग लगा देते हैं अपने बच्चों को बचाने। कुछ विशेष होते हैं जो भगवान के अपने होते हैं, सदाचारी होते हैं, उनके लिए भगवान खुद पहुंचते हैं।